मदारपुर नामक स्टेशन पर डिब्बे में एक बूढ़ी घुसी जिसके माथे पर बहुत बड़ा टोकरा। उसे भी घुसते देख नेता बोला, अरे अरे इसमें नहीं, ओ टोकरी। पर वो दबने वाली नहीं थी। ठहरो बाबू, मेरा बोझा भारी है, इसे लेकर इस उम्र में मैं डिब्बा डिब्बा जगह ढूंढती नहीं फिर सकती। नेता जब तक कुछ कहे तब तक मद्रासी स्त्री ने बूढ़ी का बोझ सहारे से उतार दिया, उसी सीट पर जिस पर से क्षण भर पहले उसका सामान नेता ने फेंकवाया था। बोझ उतारने के बाद वो वृद्धा टोकरे के पास ही बैठी। दुबली झुर्रीदार लेकिन दृढ़ ईमानदार चेहरा, उम्र 65 की रही होगी। पके केश, मांग में सिंदूर, माथे पर चमकीली टिकुली, कान में कांप, गले में हंसुली, बाजुओं में बाजू और कलाइयों पर चांदी के मोटे मोटे कड़े, बुढ़िया चिर सौभाग्य की तस्वीर मालूम पड़ती थी। लेकिन नेता उसकी ओर कुरंग ही देखता रहा, इस ढंग से कि वो कहां से आ मरी। ट्रेन छूटकर जब मदारपुर प्लेटफॉर्म के बाहर आई तब डिब्बे के बाहर से किसी की आवाज आई। वो अंदर आने के लिए दरवाजा भड़बड़ा रहा था, जिए जिए जिए, यानी कि जीते रहो, उसने बाहर से कहा। और नेता ने अंदर से कहा, मर मर, अरे मर। और ट्रेन तेज होने पर आई और किसी ने बाहर वाले के लिए दरवाजा खोला ही नहीं। मद्रासी नौकर और बूढ़े ने कोशिश और सम्मिलित कोशिश की पर दरवाजा जाम, वो असफल रहे, केवल नेता को हंसाने में सफल। एक मोटी भुजा खिड़की के बाहर से अंदर घुसी दरवाजा खोलने के प्रयत्न में और बाहर से आवाज आती थी, जिए 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 की, और बाहू में नाच रही थी मृत्यु भय विकल। मैंने सोचा नेता की बेवकूफी किसी मुसाफिर की जान ले सकती है। फौरन ऊपर से नीचे कूदकर मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मैं भी असफल। और गाड़ी लगी सरकने, अंत में मद्रासी नौकर बूढ़ा और मैंने एक साथ जोर लगाकर दरवाजा खोल ही दिया। पर लो, अंदर दाखिल हुआ एक भिखारी, ऊंट सा लंबा, हाथी सा मोटा, भैंस सा मैला, फील पांव समूह, गाजर सी नाक, बैल की सी आंखें, नंगे पांव, घुटनों के ऊपर मैली धोती, देह पर आधे बाह की फटी मार्किनी फतूही। अंदर घुसते ही उसने कहा, जिए जिए जिए, और मजलिस में जैसे सुअर आ गया हो, सबको बुरा लगा। मैं तमक कर ऊपर बर्थ में चला गया। इस नालायक पर अपनी अमूल्य दया बरसाने के अफसोस में उसने पहले नेता दल के सामने हाथ पसार कर याचना की, जिए जिए की पुकार लगाकर। अबे तेरे आने से कोई क्या जिए, नेता ने तुरंत जिए का जवाब दिया। अब तो गाड़ी भी चल पड़ी है, ऐसा जी करता है कि बदमाश को नीचे धकेल दो। अरे ऐसे भिखारी से देश का पिंड छूटे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जिए जिए जिए, मात्र उसने पुनः कहा, नेता की झुड़की गोया सुनी ही नहीं। पंडित जी, वो 54 इसको दे दूं, जिसे आपने रिक्शे वाले की मजदूरी ना देकर बचा रखी है, किसी और को दे देने के लिए, नेता के नौकर ने उससे पूछा। नेता ने कहा, अबे चुप, हरगिज नहीं, ऐसे हरामखोर को देने से फेंक देना अच्छा है। जिए जिए जिए, ये कहकर विकट बदन ने मद्रासी नौकर की तरफ हाथ पसारा तो उसने एक पैसा दिया। अब टोकरे वाली सौभाग्यवती पर उसकी नजर पड़ी जो न जाने किस विचार में मग्न थी। बच्चे के विश्वास के साथ बूढ़ी की बाई बाहू का स्पर्श करते हुए भिखारी ने कहा, जिए जिए जिए। चमकने पर भी बुढ़िया चिड़ी नहीं, भिक्षुक का अभिप्राय समझ गई। उसने कपड़े से बंधे टोकरे में दुबला दाहिना हाथ डालकर टटोलना शुरू किया। उसे जरा देर लगी, हम भी उत्सुकता से देख रहे थे उसकी ओर। मैंने सोचा एकाध पैसा निकाल कर देगी या अनाज कोई एकाध मुट्ठी, पर बुढ़ी ने निकाला भुने चिवड़े का लड्डू, पूनों के चांद इतना बड़ा। वो लड्डू जो शहरों में चार आने को भी ना मिलता, बूढ़ी ने सहज उदारता से दे दिया, जिसे हमने भैंसे की तरह मोटा और सुअर की तरह गंदा कहकर अपनी इज्जत बढ़ाई थी। और लड्डू देकर बूढ़ी पुनः अपने बाल बच्चों की चिंता में डूब गई। जिसने हाथ पसारा उसको उसने दिया, बिना मुड़कर देखे कि याचक है कौन, देव या मलेच्छ, गाय या सुअर। बुढ़िया के दान के बाद भिखारी ने नेता की ओर अर्थ भरी आंखों से ताक कर बिना बोले बतलाया, देखो
अपने देश की दिव्य रीति। नेता के साथ की महिला ने भी उसकी तरफ देखकर आंखों ही आंखों में मंजूर किया कि बुढ़िया अधिक दयावती है और उस नेता से भारतीय भावना की बेहतर प्रतिनिधि। न जाने क्यों बिना थप्पड़ लगे ही नेता का चेहरा सूज उठा, बिना तमाचे लाल होकर सफेद हो गया। बूढ़ी से जरा हटकर नेता के सामने ही बैठ अपनी मैली अंगोछी में उसने उस लड्डू को फोड़ा। आधा पाव से कम न रहा होगा, आधा पाव चिवड़ा बहुत होता है। एक बड़ा टुकड़ा उसने मुंह में डाला। वाह क्या जायका! उसी तरह उसका मुंह बना हुआ। फिर एक क्षण के लिए चिंता की छिकन माथे पर। उसे याद आया कि ऐसी अन्नपूर्णा माता से मोदक पाने पर भी आशीर्वाद उसने नहीं दिया था। खाते ही खाते बुढ़िया की तरफ देख भद्दे भिखारी ने कहा, जिए जिए जिए।